वेलकम टू माय चैनल, मोना कहती है। तो मेरी जो ये हालत हो रखी है, ये मैं जा रही हूँ थोड़ा बालों में मेहंदी लगाने, थोड़ा शाइन आ जाए इसके लिए, कंडीशनिंग भी हो जाएगी। और यहाँ मेरी बिटिया रानी प्रेस कर रही है अपनी दादी की साड़ी, इनको सिखाया जा रहा है कि थोड़ा ये कुछ काम धाम सीखे, प्रेस वेस करना, बहुत काम करते हैं। ये तैयारी चल रही है शादियों में जाने की, हम लोग को जाना है शादी में, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। मम्मी अपना साड़ी वाड़ी लेकर के बैठी हुई है। कितनी साड़ी प्रेस हो गई मम्मी? दूसर दूसरी है ये, मम्मी कह रही है दूसर की। हाँ। मतलब ये दूसरी साड़ी प्रेस हो रही है, कॉटन की है, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस जरूरी है। और मैं जा रही हूँ थोड़ा मेहंदी लगाने, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने बैग रख दिया है, थोड़ी सी पैकिंग मैंने इसमें कर दी है, थोड़ा बहुत और कुछ रखना है और बच्चों के लिए भी है। इधर कुछ बैग वगैरह मैंने रखे हुए हैं, थोड़े बहुत सामान इसमें मैंने रख दिए हैं। तो बस यही आज दिन भर में हम लोग को करना है। मम्मा मैं ना मेहंदी लगा रही हूँ थोड़ा कंडीशनिंग के लिए, थोड़ा सा बालों में शाइन आ जाएगी इसलिए। अच्छा, मेहंदी में क्या क्या मिलाई अपने व्यूअर्स को तो बता दो। हाँ, मेहंदी देखिए, मैंने मेहंदी घोल के रखी थी करीब एक डेढ़ घंटे पहले। मेहंदी में मैंने मिक्स किया है, ये मेहंदी मेरी वैसे पतंजलि की है, केश कांति करके पतंजलि से मैंने मंगाया। और इसमें मैंने मिक्स किया है एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा जेल। मेरे यहाँ बहुत सारे एलोवेरा है, तो उसको लीव में से मैंने जेल निकाला और मिक्सी में ब्लेंड करके इसमें डाला है। और इसमें मैंने ऐड किया है कॉफी के एक पाउच, और ये बहुत अच्छा पेस्ट तैयार हुआ। देखती हूँ बालों में आता कैसा, जब ये अच्छे से मैं वॉश करके और बाल सुखा के आऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कैसा हुआ। I'm done. तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए और ये अब सूख भी गया है। कैसा आया है कलर देखिए, बहुत अच्छा कलर आया है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। इधर भी देखिए पूरा कलर हो गया है, और अब मेरे बाल जो है अच्छे से लहरा रहे हैं। अभी मैं इसमें आज रात को ऑयलिंग करूंगी, कल फिर शैम्पू करूंगी, तब जाके एकदम अच्छा सा कलर, एक अच्छा सा इसमें बाउंस आ जाएगा। तो मिलते हैं आगे, मीठी बनाने वाली है, कुछ रेसिपी शेयर करना चाहती है, कुछ सोया चंक्स बनाएगी, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिए कैसा बनाती है। मैं तो बहुत थक गई हूँ एकदम, मतलब समझिए कि पैकिंग ही पैकिंग सुबह से हो रही है। कभी मम्मी की साड़ी प्रेस, कभी मेरी साड़ी प्रेस, मतलब अच्छे से प्रेसेस करके इसको और धीरे धीरे लगाती जा रही हूँ बैग्स में। तो इसी सब तैयारी में पूरा दिन निकल गया और मैं बहुत 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 टायर्ड हो गई हूँ। तो आगे बने रही मिस्टी की रेसिपी। हेलो मम्मास फ्रेंड, तो जैसा कि आपको मम्मा ने बताया होगा कि आगे की रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ सोया चंक की, क्योंकि मम्मा सुबह से पैकिंग में लगी हुई थी, तो फिर मम्मा थोड़ा सा थक गई और उनको भूख भी लगी, तो मैंने सोचा मैं इंस्टेंट तो यही बना पाऊंगी सोया चंक, तो फिर मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। पहले तो हम लोग सोयाबीन को अपने मैरिनेट करेंगे, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आप सब सिखाया था कि पहले मैरिनेशन करेंगे सोया चंक्स का, तो आप वो देखिए उसके लिए क्या क्या चाहिए। ये है 2 teaspoon कॉर्नफ्लोर, जिसको मैंने पानी में मिक्स करके रख दिया है। ये है 4 teaspoon दही, और ये है जीरा पाउडर, और ये है लाल मिर्च, और ये सोया चंक, और ये नमक एज पर टेस्ट, जितना आपको समझ में आएगा आप डालेंगे। कृषि, तो ये इसमें मैं पहले डालूंगी दही, सारा डाल देती हूँ इसमें पहले। दही डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये मेरा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक एज पर टेस्ट मैंने जैसे कहा। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन के बाद उसको 15 मिनट वैसे ही छोड़ देंगे, 15 मिनट तक वो वैसे ही रहेगा, उसके बाद फिर इसे फ्राई, मैं फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। तो ये 15 से 20 मिनट मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था, अब मैं इसको फ्राई करूँगी और इसको मैं एक एक करके डालूंगी कि चिपके ना ज़्यादा। और अभी जब फ्राई हो जाएगा तब मैं इसे दिखाती हूँ। नहीं, ये फ्राई करके निकाल लिया, कढ़ाई में ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, तब तक मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या सामान लगेगा। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये मिर्च है, ये प्याज है, और कैप्सिकम भी आप डाल सकते हो,
अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल रही, अगर आपके पास हो तो आप डाल देना। मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, और अब मैं इसमें मिर्ची डाल रही हूँ अपनी। मिर्ची फ्राई होने के बाद मैंने इसमें अपना प्याज ऐड किया। अब थोड़ी देर तक मैं प्याज को ऐसे फ्राई करती रहूँगी, तो ऐसे इसमें ब्राउनिश कलर लेते आऊँगी, मतलब तो अगर ये फ्राई हो जाए के बाद इसमें मैं जो जो ऐड करूँगी आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें अब ब्राउन ब्राउन कलर आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे 4 टीस्पून सॉस ले लिया है। ये सोया सॉस और विनेगर एक साथ मिक्स करके रख दिया, ये सोया चंक को मैं इसमें डाल देती हूँ। डालने के बाद से इसे मैं थोड़ा सा चला देती हूँ, फिर मैं अपना इसमें सोया विनेगर डाल दूँगी। उसके बाद से मैं इसमें अपना सॉस डाल दूँगी, फिर मैं इसे थोड़ी देर तक फ्राई करूँगी। और हाँ, आप इस पर एज पर टेस्ट नमक अपना डालते रहिएगा। मैंने बस सोया, जब मैंने इसको मैरिनेट किया था तभी मैंने नमक डाला था, उतना मेरे लिए इसमें इनफ था नमक, फिर मैंने उसके बाद नहीं ऐड किया, क्योंकि विनेगर भी एक इसमें वो फ्लेवर दे देता है नमक वाला, मैंने नमक का टेस्ट आ जाता है इसमें, तो मैंने नहीं ज़्यादा डाला। और ये अब मेरा रेडी हो चुका है, तो चलिए अब सबको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे ब्लॉग में तो मीठी काम कर रही थी, एक्चुअली मैं आज बहुत थक गई थी। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा था। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर। ओके फ्रेंड्स एंड बाय।